माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, योर हिंदी टीचर। बेटा, आज हम कक्षा आठवीं विषय हिंदी पाठ चार दीवानों की हस्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दीवानों की हस्ती ये एक कविता है और इसके जो कवि हैं उनका नाम है भगवती चरण वर्मा। कविता में पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि जो कवि है उसका स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है, खुशियाँ बांटता है, ठीक है। उसी के बारे में कविता में बताया गया है कि वह मस्तमोला है, सभी को प्रेम करते हैं और प्रेम बांटते हैं। और इस कविता के द्वारा हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, बिखेरनी चाहिए और जीवन में कभी भी असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए। अब देखो, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आ यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम दूर उड़ाते यहाँ चले। इसमें देखो बेटा, दीवानों होता है अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती अस्तित्व होता है, मस्ती मौज, आलम दुनिया और उल्लास होती है खुशी। देखो इसमें कि कवि बता रहा है कि अपने हमें अपनी मस्ती में, जो कई लोग होते हैं ना अपनी मौज मस्ती में ही रहते हैं, परंतु उन्होंने बताया कि कई बार ज्यादा मस्ती भी क्या होती है, हमारे लिए हानिकार हो जाती है। कवि कह रहे हैं कि कभी यहाँ है तो कभी वहां, कि कभी इधर है कभी उधर, कभी वह तो एक जगह तो रुकने वाले नहीं है, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे। यानी कि जो वो मस्त मोला किस्म के व्यक्ति है ना, वो एक जगह कभी भी नहीं ठहरते टिकते हैं, आज यहाँ है कल कहीं और चले जाएंगे। और कवि बता रहे हैं कि इस कविता में बताया जा रहा है कि कवि है जो वहां पर, उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी प्रसन्नता से सब में खुशियां बांटी हैं। और कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मोला आदत के अनुसार यहां भी गए, प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले गए। और प्रसन्नता से जो धूल उड़ाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही है। हम जहां भी जाते हैं कि अपने ढंग से जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और हम पर किसी का कोई भी असर नहीं होता। कवि कहते हैं कि वे अभी अभी आए हैं और खुशियां बांटी हैं, खुशियां लुटाई हैं और अभी कुछ हुआ कि आंसू बनकर वह निकले। आगे देखो, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कि कभी कहते हैं कि वे अभी अभी आए हैं और खुशियां बांटी हैं, खुशियां लुटाई हैं और अभी कुछ हुआ है कि आंसू बनकर बह निकले। अर्थात कि कहने का भाव है कि अभी अभी खुशी थी और अभी अभी दुखी हो गए, यानी कि उनके आंसू आंखों से बहने लगे हैं। कभी मस्त मोला किस्म के हैं, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कभी कहीं जाते हैं, कहीं जब उनका मन होता है कहीं इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे निकल चलते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, कि तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चलता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, यज्ञ से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इसमें कभी कह रहे हैं कि जग मीन्स होता है संसार। कभी कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जैसे कि मैं मस्त मोला हूँ, एक जगह तो मैं टिकता ही नहीं हूँ, कभी इधर चला जाता हूँ, कभी आगे कभी पीछे। कि इस दुनिया में कुछ ज्ञान उन्होंने जो भी प्राप्त किया है उससे कुछ ना कुछ उन्होंने सीख जरूर लिया, उसको कि अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, सीखा है, उसको लेकर वह आगे बड़े चले जाते हैं। जो भी उनके पास है वे भी इस दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चले जाते हैं। कि कभी यहाँ कहीं भी पहुंचे, वहां के लोगों से खुशी खुशी से मिले और उनसे बातचीत की, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाप से पिए चले। आगे कभी कहते हैं कि जहां कहीं भी पहुंचे
वहां के लोगों से खुशी खुशी से मिले, उनसे बातचीत की, हंस के मिले, उनसे दुख सुख बांटा, मन की बात कही, और जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे भी। जब उनको दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख भी बांटा और उनको भी अपने बताया और उनका भी सुना, उनका भी सुख दुख बांटा। जो सुख दुख के समय भावनाएं जागी उनको एक दूसरे के साथ बांटा, जिससे व्यक्ति का मन हल्का हो जाता है। जैसे कई बार हमारे दिमाग में कोई बर्डन होती है, कोई बात होती है, जैसे हम अपने फ्रेंड से, किसी फैमिली मेंबर से बेटा शेयर करते हैं तो हमको रिलैक्सेशन, यानी कि थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है। यो सुख दुख के भाव हैं, कभी कहते हैं कि वह एक समान है, हम गमों से पिए चले और आगे बढ़े चले। नेक्स्ट देखो, हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद होता है आजाद। हम एक निशानी सी उर पर, उर होता है दिल या हृदय, ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। स्वयं होता है अपने आप। देखो, भिखमंगो बोला गया भिखारियों को, स्वच्छंद होता है बेटा आजाद, निशानी को चिन्ह होता है, साइन लगा लेते हैं हम लोग, उर हृदय या दिल, असफलता, कभी बार हमको कई बार सफलता नहीं मिलती जो सफल ना हो, भार होता है बोझ, बर्डन, आबाद होता है बसना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह जो दुनिया है, दुनिया के लोग भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। भिखारी की आदत क्या होती है, मांगना, ठीक है, कभी उसने इधर से कुछ मांग लिया, कभी किसी से मांग लिया। कभी कह रहे हैं कि इस भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मन मर्जी से अपना प्यार लुटाकर चले हैं, वे अपने हृदय में यही एक निशानी लेकर आगे चले हैं, और उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, कि ऐसे नहीं कि वो हर बार उनको सफलता ही मिली है, और हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, ठीक है, उसके जो भी बर्डन हुई है कि उन्होंने चाहे फेस किया, कई बार हार मिली है, जीत मिली है, उनको उन्होंने खुद ही अपने आप को उसका जिम्मेदार बताया है, उसका बोझ उन्होंने किसी के ऊपर नहीं डाला। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहे, बसे रहे, यही वह आशीर्वाद देते हैं। कभी कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे हुए हैं, कि ऐसे नहीं कि हम लोगों को किसी दूसरे ने जकड़ा हुआ है, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से हम स्वयं ही यह बंधन तोड़कर आगे चल निकले हैं। और कभी का यह भी मानना है कि बेटा कि वे सकल किस्म के मस्तमोला आदमी, दीवाने, कभी किसी बंधन में नहीं बने हैं, कि जो भी उनके मन में आता है वो वही काम करते हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने उनको बांधा हुआ कि ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। अगर बंधे हैं तो कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से ही बंधे हैं और अब वो आगे बढ़ निकले हैं, अर्थात कहने का भाव कि बंधनों को तोड़ चले हैं और अपने जीवन को, अपनी लाइफ को मनमर्जी से जीना चाहते हैं, और वह स्वयं ही इस बात का अफसोस जताते हैं। लास्ट में उनको दुख भी होता है कि अपने जीवन में इस बात की हार मानते हैं कि वे कभी भी एक संसारिक व्यक्ति नहीं बन पाए, एक संसारी व्यक्ति का सुख नहीं भोग पाए। इस कविता के बेटा जो कवि हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, कि इस कविता के जो लास्ट में इसके शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग है, ये देखो, हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, नेक्स्ट आलम, दुनिया, माहौल होता है, स्वच्छंद होता है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। धन्यवाद।